नमस्कार, मैं हूँ अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्वीन चैनल पे। आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, सोयाबीन बरी का पराठा, जो बहुत ही फायदेमंद होता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और फटाफट बन जाते हैं। इसे कीमा पराठा भी बोल सकते हैं, भेज कीमा पराठा। तो आज चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि सोयाबीन बरी का पराठा कैसे बनते हैं। इसे मैंने दही के साथ सर्व किया और धनिया की चटनी का मैंने वीडियो डाल रखा है, आप देख सकते हैं। इसे खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, या अचार के साथ खा सकते हैं, या सॉस के साथ खा सकते हैं, ऐसे ही खा सकते हैं, किसी भी रूप में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आज आपको बताती हूँ कि सोयाबीन बरी का पराठा कैसे बनते हैं फटाफट, बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल फूली फूली हुई। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे किसी भी रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि सोयाबीन बरी का पराठा कैसे बनता है फटाफट, बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्वादिष्ट। तो चलिए मेरे साथ अभिलाषा किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ न्यूट्रेला का पराठा। तो देख लीजिए, मैंने न्यूट्रेला लिया है इस कप से, 2 कप। अब मैं इसमें गर्म पानी डाल दूँगी, देख रहे हैं पूरा गर्म पानी है। सभी को मैं भिंगा दूँगी और भिंगा कर मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से ये उबल जाए, गर्म पानी में पक जाए। तो देखिए पूरा मैंने गर्म पानी डाल दिया है, इसे 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। उसके बाद ठंडे पानी से धोकर इस निचोड़ लूँगी इसका पानी। 5 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ। तो देखिए इसका पानी मैंने बहुत अच्छे से निचोड़ लिया है इस तरह से। अब मैं इसे मिक्सी कर लूँगी, बारीक इसको पीस लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं महीन करना है, दरदरा होना चाहिए। देखिए कितने अच्छे से मैंने इसे बारीक मिक्सी कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज कट कर लिए हैं, 1/2 इंच अदरक मैंने घस लिया है, यहाँ पे धनिया पत्ता कुछ लिया मैंने कट करके, और हरी मिर्च लिया है 4 से 5, मैंने इसे भी कट कर लिया बारीक। आप चाहे तो अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने गैस पे एक पैन चढ़ा दिया है, इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालूँगी और इसे चटकने दूँगी 5 से 6 सेकंड के लिए। देखिए जीरा चटक गया, तो मैं इसमें डाल दूँगी अदरक जो मैंने लिया था ढक के, और साथ ही मैं हरी मिर्च डाल दूँगी। इन दोनों को भी मैं 2 से 3 सेकंड के लिए भून लूँगी इस तरह से। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज जो मैंने बारीक कट करके रखे थे 2, और इसे भी मैं भूनूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, लाल नहीं करना, हल्का मुलायम हो जाए तब तक मैं भूनूँगी इसे। तो देखिए हल्का मुलायम हो चुका है मेरा प्याज, तो मैं डाल दूँगी धनिया पत्ता, और साथ ही जो मैंने न्यूट्रेला पीस कर रखा था, ये सोयाबीन बरी, इसे डाल दूँगी। इसे बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है, हाई प्रोटीन होता है ये सोयाबीन बरी में, बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे कीमा का पराठा भी आप बोल सकते हैं, मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन का पराठा, या कीमा का पराठा भी बोल सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होता है। अब मैं इसे मिला दूँगी। तो देखिए इसे मैंने अच्छे से मिला दिया, 2 से 3 मिनट तक मैं इसे भूनूंगी। देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है भूनते हुए मुझे सोयाबीन बरी को। तो मैं इस स्टेज में इसमें डाल दूंगी नमक 1 चम्मच, अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, साथ ही मैं 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी, और डालूंगी मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर 1/2 चम्मच के लगभग, और इन सभी को मिलाकर इसे भी मैं 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी। तो लास्ट में मैं डाल दूँगी इसमें 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, आप चाहे तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसे डालकर अच्छे से मिला दूँगी। तो देखिए कितने अच्छे से ये भुना गया है, टोटल इसमें लगा है 5 से 6 मिनट। तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ, एक बर्तन में निकाल लूँगी मैं ताकि ठंडा हो जाए। और तब तक मैं इसका आटे का डो तैयार कर लेती हूँ स्टफिंग के लिए। स्टफिंग बन गया है, अब आटा तैयार कर लेती हूँ। तो इस कप से मैंने 2.5 कप आटा लिया है, देख रहे हैं, इसका मैं बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार कर लूँगी।
हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्टफिंग का डो मुलायम ही हो, कड़े रहने पे ये फटने का चांस रहता है, इसलिए इसका मुलायम ही रखें। तो मैं अब इसका डो तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। तो मैं इसे ढक कर छोड़ देती हूँ 5 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए, उसके बाद मैं पराठे बनाऊँगी। तो देखिए मैं मिश्रण भी जो था सोयाबीन बड़ी का ठंडा हो चुका है, और यहाँ आटा का जो मैंने डो लगाया था 5 मिनट हो गया, ये भी बिल्कुल सेट हो गया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सूखे आटे लिए हैं, यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है सेकने के लिए पराठे। आप शायद इसके जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा दिया है गैस पे, तवा मेरा गर्म हो रहा है, तब तक मैं स्टफिंग कर लेती हूँ आटे में। देखिए मैंने एक लोया ले लिया है आटे का, इस तरह से मैं सूखे आटे लगा दूँगी और उसके बाद मैं इसमें स्टफिंग करूँगी इस तरह के अंगूठों की मदद से गोल घुमाते हुए बीच में गड्ढा कर लूँगी और इसमें डाल दूँगी आप अपने हिसाब से 1 चम्मच या 2 चम्मच, जैसा स्टफिंग रखना है रख सकते हैं। और फिर मैं इसे बंद कर दूंगी इस तरह से गोल घुमाते हुए, और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे मैं निकाल दूंगी। और चलिए मैं बेलती हूँ इसको, हाथों की मदद से पहले मैं फैला लूँगी जितना ये फैल सके, इस तरह से गोल घुमाते हुए। इतना हो चुका है, अब मैं इसे बेलती हूँ। देखिए हल्के हाथों से बेलना है इस तरह से, हल्के हाथों से मैं बेल लूँगी। तो देखिए बेल लिया, इधर मेरा तवा भी गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डाल दूँगी इसे, और जब एक साइड सीख जाएगा तो दूसरा साइड पलट लूँगी। सेम प्रोसेस से मैं दूसरा भी उसी तरह से बेल लेती हूँ। एक लोया मैंने ले लिया है, देख रहे हैं, जो सूखे आटे लगा दूँगी, इसका भी बीच से इस तरह से होल कर लूँगी अंगूठा की मदद से, और इसमें भर लूँगी। सेम प्रोसेस से सारे पराठे में बना लूँगी, इससे भी मैं उसी तरह से कर ले रही हूँ। इधर देखिए मैं इस पराठे को पलट देती हूँ, एक साइड से सीख चुका है, दूसरे साइड से मैं सीख लूँगी, तब तक इसे मैं बेल लेती हूँ इस तरह से। तो मैं इस पर रिफाइंड ऑयल लगा देती हूँ चारों तरफ इस तरह से, और फिर से इसे पलट कर सेम प्रोसेस से दूसरे साइड भी मैं लगा लूँगी। गैस को मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर रखी हुई हूँ, हाई फ्लेम पर रखने से ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे आटे। तो मैंने गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है, इस तरह से चारों तरफ मैंने लगा दिया है। देखिए दूसरे साइड से भी पलट दे रही हूँ, कितने अच्छे से पक गए हैं। दूसरे साइड भी मैं पका लेती हूँ अच्छे से। देखिए कितने अच्छे से फूले फूले पराठे में तैयार हो रहे हैं, इस तरह से पलट दूंगी। मेरा पराठा तैयार हो चुका है, इसे एक बर्तन में मैं निकाल लेती हूँ। देखिए एक पराठे मैंने निकाल लिया है, और दूसरा मैंने चढ़ा दिया गैस तवा पे डाल दिया, ऐसे पलट लूँगी। मैं ऑयल लगा रही हूँ, दोनों साइड लगा लूँगी, और फिर से निकाल कर तवे से और इसे सर्व करूँगी मैं। तो देखिए कितना अच्छा से मेरा सोयाबीन बड़ी का पराठा बनकर तैयार हो गया है। ये इसमें बहुत ही प्रोटीन होता है भरपूर मात्रा में, और ये बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है। तो देखिए मैं तोड़कर दिखाती हूँ कितना अच्छा इसका स्टफिंग हुआ है, देख रहे हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप एक बार बनाकर खा लेंगे तो बार बार इस तरह के सोयाबीन बड़ी का पराठा बनाकर खाना पसंद करेंगे, बाकी सारे पराठे भूल जाएंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद।